तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ माइक्रोमैक्स इन वन ए स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों अगर मैं आपको माइक्रोमैक्स की कुछ बेसिक चीज़ों को बताऊं तो दोस्तों माइक्रोमैक्स कंपनी आज से कुछ टाइम पहले एक पॉपुलर इंडियन नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था और ग्लोबली 10th नंबर पर पहुंच गया था। बट जब चाइनीज कंपनी ने इंडिया के अंदर कदम रखा तो कंपटीशन को हाई करते हुए काफ़ी कम प्राइस रेंज पर बेटर फीचर्स को प्रोवाइड किया। ऐसे में कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और धीरे धीरे माइक्रोमैक्स कंपनी डूब गई। बट अब माइक्रोमैक्स ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर कमबैक करने वाला है और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। दोस्तों माइक्रोमैक्स के सीईओ राहुल शर्मा ने अभी इंटरव्यू में बताया है कि वे रिसेंटली में नवंबर मंथ में दो स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे, जहां पर दोस्तों इनके कुछ फीचर्स को भी रिवील कर दिया है और इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस आपको 7 से 10 हज़ार रुपये के बीच में देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ आपको लगभग 15 हज़ार रुपये की प्राइसिंग में एक और स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जो कि रियलमी और शाओमी के स्मार्टफोन को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट कर देगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स इन सीरीज के 1A स्मार्टफोन के कन्फर्म फीचर्स के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होगी, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। बट आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन दो रैम वेरिएंट के साथ आएगा, 2GB प्लस 32GB एंड 3GB प्लस 32GB, जहां पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। और ये जो 2GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आपको रियर साइड में डुअल कैमराज मिलेंगे, जहां पर 13+2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और वहीं पर दोस्तों 3GB प्लस 32GB वाले वेरिएंट के अंदर रियर साइड में ट्रिपल कैमराज दिए गए हैं, 13+5+2 मेगापिक्सल के, जहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट के साथ आएगा, जहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि ये एकदम प्योर है। यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी भी मिलेगी। अगर दोस्तों फाइनली इसकी प्राइजिंग के बारे में बात की जाए तो ये स्मार्टफोन 7 से 8 हज़ार रुपये की प्राइजिंग में ही आएगा। इसके अलावा आपको एक और स्मार्टफोन मिलेगा जिसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट दिया जाएगा, वहां पर दोस्तों इसकी प्राइस होगी लगभग 10 हज़ार रुपये। बाकी का आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हैं, प्लीज़ ड्रॉप कमेंट द बॉक्स। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।